Hi guys, welcome back to my channel. So my name is Rikta Bhatnagar और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं so please do subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So आज की वीडियो में I'm going to color my hair. So basically मैं अभी ऑफिस में हूँ and मैं दो दिन में ट्रिप पर जा रही हूँ. So I thought let's just arrange everything, जो चीज़ें मुझे खरीदनी है and मुझे अपना hair transformation करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको दिखने वाली हैं. And let's see, I don't know if this decision is good or not, क्योंकि मैं फिर से कलर कर रही हूँ अपने हेयर एंड आई डोंट नो कि कैसा लगेगा और क्या रिजल्ट होंगे. सो अभी बस मैं ऑफिस से निकल रही हूँ एंड मैं जाऊँगी मार्केट. तो उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ एंड लेट्स जस्ट कलर माय हेयर, लेट्स गो. सो हाय गाइस, अगेन मैं मार्केट से आ चुकी हूँ एंड मेरे को थोड़ा लेंसेज वगैरह चाहिए थे. सारी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं. ऑल्सो आई टोल्ड यू कि मैं अपना हेयर कलर चेंज करने वाली हूँ. सो सबसे पहले मैंने पर्पल करा था, देन रेड. नाउ आई एम थिंकिंग टू चेंज टू ब्लू. सो मैंने स्ट्रीक्स का होल्ड एंड प्ले का वही मिस्टिक ब्लू कलर लिया है. मैंने पर्पल भी स्ट्रीक्स का ही करा था बट मैंने रेड वाला कलर जो है मैंने लॉरियल का करा था. सो अभी हम ये करने वाले हैं. ऑल्सो आई गॉट फ्यू स्टफ, गॉट हेयर सीरम. मेरा हेयर सीरम खत्म हो गया था तो मैंने कलर बार ने आई थिंक एक नया रेंज शुरू करा है को अर्थ करके. सो उसका आर्गन हेयर सीरम विद विटामिन ई मैंने लिया है एंड सम मेकअप वाइप्स. जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज से लग रहे हैं. सो अभी रिसेंटली मुझे ये दो नई चीज़ें मिली हैं हिमालयन ऑर्गेनिक से. ये मोरक्कन आर्गन ऑयल है एंड ये बायोटिन टैबलेट्स हैं जो हेयर और स्किन और जो नेल्स वगैरह उसके लिए बहुत अच्छी होती हैं. सो बेसिकली जो ये बायोटिन टैबलेट्स हैं वो वेजिटेरियन है, जितने भी वेजिटेरियंस हैं वो सब खा सकते हैं. लाइक मल्टी विटामिन्स जो आपके जो नेल्स वगैरह हैं स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं एंड इसके अंदर 120 टैबलेट्स हैं. अगर आपके बाल थोड़े डैमेज हो रहे हैं और ग्रोथ नहीं हो पा रही सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस बायोटिन टैबलेट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करती हैं हेयर ग्रोथ को और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती हैं. हेयर ऑयलिंग तो यूनिवर्सल है सो उसके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं. सो मैं ऑल्सो मैं ये आर्गन ऑयल भी यूज़ कर चुकी हूँ, इट इज़ वेरी गुड. सो दिस इज़ द बॉटल. बॉटल भी काफ़ी अच्छी है इनकी, मतलब क्वालिटी वगैरह इज़ वेरी गुड. ऐसा ये पंप बॉटल है, इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत अच्छी है. मतलब नॉर्मली ऑयल्स की स्मेल जैसे अगर थोड़ा हम ऑर्गेनिक में जाएं तो बहुत अजीब सी होती है बट दिस इज़ वेरी गुड. इससे बेसिकली आपका हेयर फॉल और फ्रिज वगैरह बहुत कंट्रोल होता है. अगर आपने हेयर कलर करवा रखा है या आपने कुछ केराटिन वगैरह करवा रखा है या कुछ ट्रीटमेंट करवा रखा है बेसिकली, सो बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऑयलिंग वगैरह करो, क्योंकि बाद में तो बाल डैमेज हो ही जाते हैं. राइट, नीचे के तो चले जाते हैं बट ऊपर का जो स्कैल्प वगैरह होता है वो नरिश रहना चाहिए पूरा अच्छे से. गाइस दिस से दिस इज 100% नेचुरल सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज आउट. मैं तो इनको डेली खा रही हूँ. बेसिकली ये बायोटिन टैबलेट्स हैं एंड इसकी पैकेजिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है. मैं बायोटिन टैबलेट्स अब आपको दिन में एक बार खानी होती है, आप कभी भी खा सकते हो, लंच के बाद, डिनर के बाद, कभी भी. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये काफ़ी हेल्प करती हैं कि आपका स्किन हेयर वगैरह बहुत अच्छा रहे. सो आई एम स्टिकिंग टू दीज क्योंकि अभी मैंने थोड़े बहुत ज़्यादा अपने बाल डैमेज कर लिए हैं एंड दे नीड लिटिल बिट ऑफ केयर और मेरी स्किन को भी केयर चाहिए ऑब्वियसली. सो अब हम करते हैं बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू हेयर कलर. ओके, तो हम केयर भी करेंगे, हम डैमेज भी करेंगे बोथ. सो लेट्स गो, लेट्स डू दिस. मैंने फिर एक डब्स वगैरह पहन लिए एंड मैंने अपना जो हेयर को पार्ट कर लिया था एंड उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑन द लेंस ऑफ माई हेयर. दिस ब्लू कलर वॉज सो वाइब्रेंट एंड इतना अच्छा, उसका स्मेल भी बहुत अच्छा था. जो फ्रेगनेंस होती है अमोनिया वगैरह जैसी नहीं थी एंड इट वॉज रियली गुड. सो मैंने हर सेक्शन में अच्छे से लिटरली मैंने प्रॉपरली लगाया है और जैसे एक भी स्ट्रैंड जो है वो छूटे ना और जैसे अजीब ना लगे, बिकॉज यू आर सीइंग माई हेयर बहुत, मतलब इट्स लाइक ऑरेंजिश, रेड भी नहीं बचा, फिर ऑरेंजिश ही लग रहे हैं. सो गाइस इट्स ऑल डन. मैंने सारे अपने स्ट्रैंड्स पे हेयर कलर लगा लिया. दिस इज हाउ इट लुक्स. मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि ट्यूब कम पड़ेगी बट एक ट्यूब मेरे जो लेंथ है उसके लिए परफेक्ट थी एकदम. And let's see, I have to wait it fade for 30 minutes and it is such a vibrant blue color. बस ऐसे कलर आए तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा. So fingers crossed, let's see. Now I will clean myself little bit and I will see you guys after 30 minutes.
दिस इज़ हाउ माई हेयर इज़ लुकिंग. बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया है टू बी ऑनेस्ट, एंड कलर बहुत अच्छा लगा मुझे. इट्स काइंड सी ग्रीन टाइप्स है थोड़ा कलर, एंड लिटरली कैमोफ्लाज हो रहा है मेरे जो कुर्ता है उससे. इट वॉज आई लाइक इट बट इट्स नॉट दैट ग्रेट, मतलब बहुत अच्छे से नहीं हुआ. सो इट वॉज लाइक ओके फॉर मी. So guys, that's it for today's video. I hope you guys liked it. If you like this video, then don't forget to hit the like button. Also, please do subscribe to my channel. And I will see you super soon with the travel vlogs. And yeah, thank you for watching. Bye.